नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताइए कि आपके 26 में से कितने क्वेश्चन ऐड निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। बताइएगा भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। अभी आपको बताना है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिए। पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। बताइएगा अटॉर्नी जनरल इनकी नियुक्ति कौन करता है। ए मुख्य न्यायाधीश, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, या डी उपराष्ट्रपति। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। नाउ कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है गीता रस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताइएगा गीता रस पुस्तक को किसने लिखा है। तुक्का मत लगाइए, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है गीता रस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रस नामक पुस्तक लिखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, थिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना है थिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। ए साक्षी मलिक को, बी गीता फोगाट को, सी दोस्तों साइना नेहवाल को, या डी हिमा दास को। आपको बताना है धिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमा दास। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हिमा दास को धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा शहर हडसन नदी किनारे बसा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार क्लास में बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए।
आपको बताना है कौन सा शहर हडसन नदी किनारे बसा है, ए न्यूयॉर्क, बी टोक्यो, सी लंदन या डी पेरिस। बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूयॉर्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे बसा हुआ शहर है, न्यूयॉर्क यूएसए का शहर है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया था, बताइएगा शॉर्ट हैंड इसका आविष्कार किसने किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपको बताना है शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया था। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सर आइजैक पिटमैन ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सर आइजैक पिटमैन ने दोस्तों शॉर्ट हैंड का आविष्कार किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। आपको बताना है किस प्रदेश का भौगोलिक उपनाम सोया प्रदेश है, बताइएगा दोस्तों किस प्रदेश का भौगोलिक उपनाम सोया प्रदेश है, ए आंध्र प्रदेश का, बी मध्य प्रदेश का, सी उत्तर प्रदेश का या डी हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, मध्य प्रदेश का भौगोलिक उपनाम सोया प्रदेश है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है, तो भारत का हृदय दोस्तों मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का हृदय मध्य प्रदेश को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक उपनाम सोया प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों सोया का सबसे अधिक जो उत्पादन है ये भारत में मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं, बताइएगा एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं, ए कच्छ के रण में, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, सी माधव राष्ट्रीय उद्यान में या डी ननहापती, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं। वेरी गुड, गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कच्छ के रण में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, गुजरात के कच्छ के रण में एशियाई जंगली गधा पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चूना पत्थर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय शतरंज संघ का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, आपको बताना है अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, आपको बताना है अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चेन्नई में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, तमिलनाडु के चेन्नई में अखिल भारतीय शतरंज संघ का हेडक्वार्टर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, आपको बताना है इनमें से कौन 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी झांसी या ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा,
आगरा, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगरा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, जबकि कानपुर, झांसी, लखनऊ ये तीनों दोस्तों 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, ए कावेरी, बी गोदावरी, सी सिंध या डी कृष्णा। आपको बताना है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कृष्णा नदी पर। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नागार्जुन सागर बांध ये किस राज्य में है, तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा रिवर पर है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है डेलोनिक्स रेजिया राफिन किसका साइंटिफिक नेम है, बताइएगा। डेलोनिक्स रेजिया राफिन ये दोस्तों किसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप लोग आंसर करिए, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुलमोहर का। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, डेलोनिक्स रेजिया राफिन ये दोस्तों गुलमोहर का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है पारादीप बंदरगाह, पारादीप पोर्ट कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में या ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में, बताइएगा। पारादीप पोर्ट कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है, बताइएगा। हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अब बताइएगा हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मूसी नदी किनारे। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए, आपको बताना है पेप्सिन क्या है, बताइएगा। पेप्सिन क्या है, ए एमिनो एसिड, बी प्रोटीन, सी विटामिन या डी एंजाइम। आपको बताना है पेप्सिन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए, क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ना उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, बताइएगा पेप्सिन क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एंजाइम। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, पेप्सिन एक एंजाइम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों लक्षद्वीप का हाई कोर्ट यह भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है, ए तमिलनाडु में, बी केरल में, सी आंध्र प्रदेश में या डी कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए, आपको बताना है लक्षद्वीप का हाई कोर्ट किस राज्य में स्थित है भारत के। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल में। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट ये केरल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा मलयालम दोस्तों, केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ स्थित है, बताइएगा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ स्थित है, ए रुद्रप्रयाग में, बी हरिद्वार में, सी देवप्रयाग में या डी प्रयागराज में।
आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ स्थित है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवप्रयाग में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री संबंधित है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था। बताइएगा गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था। दोस्तों पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब बताइएगा ये कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन 23 के लिए आंसर करिए, आपको बताना है शराब्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ है। बताइएगा शराब्ती जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शराब्ती जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों शराब्ती जल विद्युत परियोजना ये शराब्ती नदी पर है। अब आपको बताना है ये किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए, इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए, आपको बताना सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। फुले ने। सर ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, इंसुलिन एक प्रोटीन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं करिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित। बताइएगा सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए शिलोंग में, ऑप्शन नंबर बी कोची में, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में, या ऑप्शन नंबर डी
जबलपुर में। आपको बताना है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यू दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। CRPF का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। ए कोयना, बी भीमा, सी तुंगभद्रा या डी ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है शहर जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है शहर जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वर्ण रेखा नदी किनारे। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी किनारे है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है तांबे का गलनांक कितना होता है। बताइएगा तांबे का गलनांक कितना होता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1085 डिग्री सेल्सियस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है डल झील कहाँ स्थित है। बताइएगा डल झील, डल लेक ये कहाँ पर है। ए उत्तराखंड में, बी ओडिशा में, सी जम्मू और कश्मीर में या डी हिमाचल प्रदेश में। आपको बताना है डल झील कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू और कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। डल झील जम्मू और कश्मीर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने GK के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, पिथागोरस फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।